100 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। नजर डालेंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। देश में कोरोना टीकाकरण में आई तेजी, केंद्र ने राज्यों को अब तक दी करीब 37 करोड़ वैक्सीन। जम्मू कश्मीर में उठती आफत पर एक्शन, राजौरी और कठुआ के बाद श्रीनगर में भी ड्रोन पर बैन, पुलिस स्टेशन में जमा कराने होंगे ड्रोन। यूपी और दिल्ली में लागू हुई अनलॉक गाइडलाइंस, खोले गए जिम और स्टेडियम। इस हफ्ते भारत में आ सकती है मॉडर्ना वैक्सीन, 15 जुलाई तक कुछ बड़े सरकारी अस्पतालों में होगी उपलब्ध। मोहन भागवत के बयान पर बोले ओवैसी, हिंसा और कत्ल गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का है हिस्सा। केजरीवाल की मोदी को चिट्ठी, कोरोना से जान गंवाने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए मांगा भारत रत्न। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने दर्ज किए 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर, एक साथ 40 ठिकानों पर की छापेमारी। भारत के नाम पौधारोपण का विश्व रिकॉर्ड, तेलंगाना में एक घंटे में लगाए गए 10 लाख पौधे। गुजरात सरकार के एक पूर्व कर्मचारी रमेश चंद्र फेफर ने विष्णु का अवतार होने का किया दावा, ग्रेजुएटी न मिलने पर सूखा पड़ने की दी चेतावनी। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमले के चश्मदीदों ने किया बड़ा खुलासा, पाकिस्तान पर गहराया शक, ड्रोन के जरिए सीमा पर से आए थे विस्फोट। पंजाब पुलिस ने दिल्ली में मारी रेड, 17 किलोग्राम हीरोइन के साथ 4 अफगानी नागरिक हुए बरामद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र ने कहा, शिवसेना और बीजेपी नहीं दुश्मन, हालात देखकर लेंगे सही फैसला। ट्विटर के खिलाफ हुआ 5वां केस, हिंदू देवी के अपमान को लेकर ट्विटर एमडी के खिलाफ साइबर सेल में शिकायत, भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगा आरोप। कोरोना से रिकवरी के बाद सामने आए बोन डेथ के मामले, हड्डी में दर्द से लक्षणों की शुरुआत, मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में मिले 3 मरीज। मानसून सत्र में रोज संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे किसान, सांसदों को देंगे चेतावनी पत्र। हरदोई में एक बुजुर्ग महिला ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन, वैक्सीन लगने के बाद महिला का पैरालाइज्ड हाथ पूरी तरह से ठीक होने का किया गया दावा। अलीगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा ने किया कब्जा, पूर्व सांसद ने भाजपा पर सत्ता के बल पर चुनाव जीतने का लगाया आरोप। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी किए गए मोटर पंप, 4 एम्पलीफायर मशीन और तमंचा भी बरामद। बदायूं में वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, थाना प्रभारी ने किया वृक्षारोपण, लोगों को वृक्षारोपण करने का दिया संदेश। हमीरपुर में लुटेरों ने की दिनदहाड़े लूट, बैंक जा रही युवती से 1,40,000 की लूट कर मौके से हुए फरार, सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुटी पुलिस। हम
हमीरपुर में युवक को पुलिस से शिकायत करना पड़ा भारी। दबंगों ने घर में घुसकर पीड़ित को मारी गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरदोई में कोरोना की तीसरी लहर पर प्रशासन अलर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट। लखीमपुर खीरी में वृक्षारोपण अभियान की हुई शुरुआत। वृक्षारोपण अभियान के तहत 67 लाख लगाए गए पौधे। लखनऊ में वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने किया वृक्षारोपण। रायबरेली में वायुसेना में तैनात सैनिक की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में उप मुख्यमंत्री ने सीएचसी में किया निरीक्षण। भाजपा नेताओं ने किया वृक्षारोपण। मौके पर अन्य अधिकारी भी रहे मौजूद। रामपुर में वृक्षारोपण जन आंदोलन का हुआ आयोजन। प्रदेश सरकार के सभी आला अधिकारी ने किया वृक्षारोपण। 25 लाख वृक्ष लगाने का रखा गया लक्ष्य। सहारनपुर में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से अवैध असलाह और नकदी भी की बरामद। सहारनपुर में जगह जगह किया गया पौधारोपण। विकास प्राधिकरण ने 30,000 पौधे लगाने का रखा लक्ष्य। नगर आयुक्त ने पौधे लगाने वाले लोगों को किया धन्यवाद। शाहजहांपुर में हुआ बड़ा सड़क हादसा। हादसे में 3 की हुई मौत। 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर में वन महोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मिश्रित वन रेंज में मनाया गया वन महोत्सव। आगरा से फिर लव जिहाद का मामला आया सामने। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने लिया एक्शन। अलीगढ़ में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हुए सम्मानित। कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से किया स्वागत। बस्ती में अज्ञात बदमाशों ने की व्यक्ति की हत्या। हत्या को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से हुए फरार। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। मैनपुरी में नगर पंचायत कर्मचारी ने लगाए पौधे। पौधारोपण कार्यक्रम में कई लोग रहे मौजूद। रायबरेली में एक्शन मोड में दिखे सीओ। ट्रैफिक व्यवस्थाओं का लिया जायजा। लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने के दिए निर्देश। सुल्तानपुर में चुनावी रंजिश में प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच हुआ जमकर विवाद। पूर्व प्रधान का रिश्तेदार हुआ घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बसपा मुखिया मायावती बोली, कांग्रेस के शासन काल से चल रहे रक्षा सौदों में कमीशन पर लगे लगा। विकास दुबे नाम की फेसबुक आईडी के से कानपुर आईजी को मिली धमकी। जान से मारने वाले को 5 लाख का इनाम। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने डॉक्टरों के प्रयासों को सहारा। बोली, कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सकों की मानव सेवा रही है बेमिसाल। आजमगढ़ में अगवा प्रधान पति बोरे में मिले बंद। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज।
बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल यूपी जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन से हुई खुश, यूपी सीएम को दी बधाई। अमेरिकी कंपनी से आईआईटी के स्टार्टअप का करार, देश में 500 मिलियन श्रमिकों का जीवन सुधारने का रखा गया है लक्ष्य। कांग्रेस के वृंदावन में प्रशिक्षण शिविर के बाहर हुई फायरिंग, प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू कुमार लल्लू कर रहे थे पदाधिकारियों को अंदर संबोधन। बाराबंकी में अंग्रेजी में पहली एफआईआर, वादी बने तमिलनाडु के हरिप्रसाद नगर कोतवाली में दर्ज की गई रिपोर्ट। अल्मोड़ा में जिला कृषि अधिकारी ने किसानों की आय बढ़ाने पर दिया जोर, कहा सरकार किसानों को मुफ्त में दे रही है खाद बीज। भगवानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका सरकार का पुतला, बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी की मांग, विधायक पर बीजेपी नेत्री ने दर्ज कराया था रेप का मुकदमा। चमोली में स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं अनिल, हैंडीक्राफ्ट निर्माण से जुड़ रहे हैं लोग, लोगों को अपना व्यवसाय करने के लिए कर रहे हैं प्रशिक्षण। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पुल की हालत हो गई थी खस्ता, ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद न मिलने पर बनाया कच्चा पुल। पुष्कर सिंह धामी ने ली सीएम पद की शपथ, राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बने धामी। ज्वालापुर से विधायक पर एक महिला ने रेप का मुकदमा कराया दर्ज, जिस पर विपक्षी पार्टियां हुई हमलावर, विधायक के भांजे ने की जांच की मांग। हरिद्वार में थोक केंद्र उपभोक्ता भंडार में हुआ फर्जीवाड़ा, सचिव के हस्ताक्षर कर डीलरों को भेजा गया पत्र, अंकित सहायक ने किए फर्जी हस्ताक्षर। लक्सर में पिता और तीन बेटों ने मिलकर महिला की गला रेत कर की हत्या, हत्या की वारदात के बाद फैली सनसनी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लालकुआ में युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर की आत्महत्या, युवक की मौत से परिवार में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मसूरी में नगर पालिका परिषद सभागार में कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित, समाज सेवी संस्था ने किया सम्मानित। ऋषिकेश में पूर्व प्रधान पर सरकारी धन गबन करने का लगा आरोप, जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर जांच की उठाई मांग, जांच को लेकर शिकायतकर्ता ने उठाए सवाल। रुड़की में आबकारी इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, विजिलेंस की टीम ने किया गिरफ्तार, शराब के ठेकेदार से ले रहा था हजारों के रिश्वत। रुड़की में वैजयंती माला ने किया सड़क का उद्घाटन, विधायक देशराज कर्णवाल की पत्नी है वैजयंती माला। चमोली में प्रशासन की लापरवाही से लोग हुए परेशान, बोटिया जनजाति के 17 परिवार बारिश के कारण गंदा पानी पीने को है मजबूर। कोविड कर्फ्यू पर सरकार हो सकती है सख्त, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बढ़ाया जा सकता है 13 जुलाई तक कोविड कर्फ्यू का समय। लक्सर में बाईपास ट्रेनों के जाने से नाराज हुए वेंडर, स्टेशन मास्टर से ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग, एक साल से कई ट्रेनों के आवागमन पर रेलवे प्रशासन ने लगाई थी रोक। रुड़की में एचआरडीए विभाग की बड़ी लापरवाही, अवैध निर्माणों पर नहीं दे रहे हैं ध्यान, अपर अभियंता ने निरीक्षण करने के दौरान सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कही थी बात।
पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं कई अभियान। हरिद्वार में नशे के खिलाफ कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। नशे पर रोकथाम के लिए सरकार को सौंपा ज्ञापन। नरेंद्रनगर में जलप्रलय पीड़ितों को मिली बड़ी राशि। पीड़ित परिवार आत्महत्या करने को मजबूर। बाजपुर में आपदा को बनाया अवसर। बॉर्डर पर ई पास के नाम पर की जा रही अवैध वसूली। लोगों को काफी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। नेपाल में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ से हालात बेकाबू। बाढ़ में काफी संख्या में हुई लोगों की मौत। अंतरिक्ष यात्रियों ने किया अंतरिक्ष की सैर। नए स्टेशन के बाहर पहली बार की स्पेस वॉक। जापान से लौटी हुई गर्भ शोधार्थी की चीन के यातना गर्भगृह में हत्या। 6 माह बाद परिजनों को मिली सूचना। माता पिता पहले से जेल में है कैद। पाकिस्तान में पानी की किल्लत से पैदा हो सकते हैं अकाल जैसे हालात। विशेषज्ञों ने किया आगे। यूके की यूनिवर्सिटी ने 5,000 से ज्यादा दवाओं पर की रिसर्च। इनमें से 15 ड्रग्स कोविड-19 के इलाज में आएंगे काम। जापान में भारी बारिश के बाद 3 लोगों की मौत। 113 लोग हुए लापता। भूस्खलन का भी बढ़ा खतरा। फिलीपींस में 85 सैनिकों को ले जा रहा मिलिट्री का प्लेन लैंडिंग के दौरान हुआ क्रैश। हादसे में 45 सैनिकों की हुई मौत। 40 सैनिक हुए घायल। वहीं घायल सैनिकों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। तालिबान का अफगानिस्तान के एक तिहाई जिलों पर कब्जे का दावा। लड़ाई छोड़ 300 सैनिक भागे ताजिक। सीरिया में अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों पर दागे गए 2 रॉकेट। किसी के हालात ताहत होने की नहीं मिली है कोई भी सूचना। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में तैयार कर रहा है जिहादियों की नई पौध। सीमा विवाद से प्रभावित हुआ चीन का सैन्य कारोबार। आक्रामक रवैये के कारण कई पड़ोसी देशों ने कन्नी काटी। यूएई में करोड़पति बना भारतीय। हाथ लगा 40 करोड़ रुपए का जैकपॉट। पाकिस्तान का आरोप। भारत ने कराया हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका। आरएडब्ल्यू से जुड़ा है मास्टरमाइंड। ब्राजील में राष्ट्रपति को हटाने सड़कों पर आई जनता। रियो डी जिनेरियो में लोगों ने मार्च करते हुए बोलसोनारो गद्दी छोड़ो के लगा है नारे। सिंगापुर में हो रही है ड्राइवरलेस डिलीवरी। हाईटेक रोबोट फूड ग्रोसरी की कर रहे हैं डिलीवरी। इसमें वेटिंग टाइम 5 से 15 मिनट तक हो जाता है कम। कार खरीदारों पर आया महंगाई का बोझ। होंडा ने कारों की कीमतें बढ़ाने का लिया फैसला। अगले महीने से लागू होंगी नई दरें। पतंजलि कंपनी ने जमीन के बकाया 100 करोड़ रुपए यमुना अथॉरिटी के खाते में जमा कराए। 430 एकड़ जमीन पर बनाए जाएंगे फूड और आयुर्वेद पार्क। अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस से छोड़ेंगे सीईओ का पद। स्पेस फ्लाइट मिशन पर करेंगे फोकस।
पिनाइट व बालू सीमेंट बन रहे हैं घर। पीएम ने देश के 6 स्थानों पर हो रहे निर्माण कार्यों का ड्रोन से किया मुआयना। इनकम टैक्स विभाग ने दी बड़ी राहत, 50 लाख रुपए से ज्यादा के शेयरों की खरीद पर टीडीएस काटने की नहीं होगी जरूरत। कमजोर होता रुपया और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से शेयर बाजार में हलचल, 7 जुलाई से खुलेंगे क्लीन साइंस और जीआर इंफ्रा के आईपीओ। अडानी की कंपनियों के शेयरों में 45% की गिरावट, ट्रांसमिशन और गैस शेयरों के निवेशकों को जबरदस्त घाटा। रेल यात्रियों के लिए आई खुशखबरी, गरीब रथ और ताज एक्सप्रेस समेत 32 ट्रेन फिर से होंगी शुरू। एक कॉल से ठीक होगी आधार से जुड़ी समस्या, यूडीआई दे रहा है ये खास सुविधा। सरकारी बीमा कंपनियों का भी होगा निजीकरण, केंद्र सरकार कर रही है कानून में संशोधन की तैयारी। दिल्ली के सुबोध भाटी 200 प्लस रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने, क्लब टी20 टूर्नामेंट में टी20 क्रिकेट में मारी डबल सेंचुरी, गेल 175 रन के साथ दूसरे नंबर पर। इंग्लैंड वीमेंस के खिलाफ तीसरे वनडे में टीम इंडिया की फ्लाइंग गर्ल स्मृति मंधाना ने डाइव लगाकर पकड़ा कैच। टोक्यो ओलंपिक पर मंडराया कोरोना का साया, युगांडा के बाद सर्बिया के एथलीट में जापान में संक्रमित मिले, 23 जुलाई से शुरू हो रहा है ओलंपिक। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड ने 16 सदस्यीय टीम का किया ऐलान, जोस बटलर और बेन स्टोक्स टीम में नहीं होंगे शामिल। चैंपियन रोजर फेडरर ने 18वीं बार विंबलडन के चौथे दौर में पहुंचे, कोको ग्राफ और एश बार्टी ने टॉप 16 में बनाई जगह। फिल्म क्रिटिक्स पर भड़की तापसी पन्नू, हसीन दिलरुबा से टू टुमारो वॉर हॉलीवुड फिल्म को बताया गया बेहतर। विकी कौशल ने खरीदी महंगी कार, इंस्टाग्राम इमेज पर शेयर कर दी फैंस ने खुशखबरी। पादुकोण ने शुरू की शाहरुख खान के स्टारअप पठान की शूटिंग, फिल्म में सलमान खान भी गेस्ट अपीयरेंस में आएंगे नजर। अक्षय कुमार ने फिर मिलाया हेरा फेरी डायरेक्टर प्रियदर्शन से हाथ, अगले साल की शुरुआत में फ्लोर पर आएगी कॉमेडी ड्रामा फिल्म। धाकड़ के शूट के लिए कंगना रनौत बुडापेस्ट पहुंची, धाकड़ के अलावा फिल्म थलाइवी में भी कर सकती हैं काम। फिलहाल के लिए इतना ही, देश में की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।